तो मित्रों, आप कोई भी साधना कर रहे हैं, गायत्री की साधना कर रहे हैं, तो सिर्फ 7 दिन इस सूत्र को अजमाया। 7 दिन सिर्फ अपने अंदर जो है सकारात्मक विचारों को आप लेकर के आए, और सकारात्मक विचारों को लेकर के फिर आप साधना करें, फिर आप देखें कि आपके जीवन में कैसे आमूलचूल परिवर्तन होते हुए चले जा रहे हैं, और फिर आप जैसा चाह रहे हैं वैसा काम होते हुए चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे ही वो बन जाता है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे चित्त में है, वही मंत्र बन गया है। तो हमारे दिमाग में आता, हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो व्यक्ति बीमार नहीं होता, तो बीमार होते हुए चला जाता है। तो जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप जो है आपका चित्त बनता हुआ चला जाता है। तो आप साधना करें या कुछ भी करें, लेकिन यदि आपका चित्त निगेटिव है, नकारात्मक सोचों से भरा हुआ है, तो फिर कोई भी साधना आपको सफल नहीं हो सकती। साधना सफल होने के लिए आपकी सकारात्मक सोच का होना जरूरी है, आपका समर्पण होना जरूरी है, और आप उस समय जैसा सोचेंगे वैसे ही आपकी साधना फलित होगी। क्योंकि जैसा चित्त आपका होगा वैसे वो मंत्र शक्ति के रूप में बन करके आपके ऊपर आएगा। आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको नकारात्मक शक्तियाँ ही मिलेंगी, सकारात्मक सोचेंगे तो आपको सकारात्मक शक्ति मिलेगी। तो मित्रों, आशा है आप जब भी साधना करते हैं हमेशा सकारात्मक सोचें। आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, आप यही सोचें कि हमारा कार्य बिल्कुल हो रहा है, और हम जो है अपनी ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, हमारे हर कार्य बनते हुए चले जा रहे हैं, माँ की हमारे ऊपर असीम कृपा बरस रही है। तो जिस प्रकार से आप, जिस दिन से आप पॉजिटिव सोचना चालू कर देंगे, उस दिन से आपकी जो है साधना सफल होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आशा मित्रों, यदि इस सूत्र को आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आशातीत सफलता होगी।